टीकमगढ़ की लड़की जो मधुर आवाज में कृष्ण भजन गाती और भागवत कथा सुनाती, फिर एक रोज उस इलाके की महारानी की उस पर नजर पड़ी और सब कुछ बदल गया। एक साध्वी जिसने सूबे में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई, एक नेता जिसने दर्जनों कैमरों के सामने बीजेपी हाईकमान को चुनौती दी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री, जिसके इस एपिसोड में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती की। लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आने से चूक गई। साल था 2009, संघ ने बीजेपी पर शिकंजा कसा। राजनाथ और आडवाणी की विदाई तय हो चुकी थी और नया मुखिया दिल्ली कोठरी से नहीं हुआ, नागपुर से भेजा गया नितिन गडकरी। गडकरी का पहला बड़ा पॉलिटिकल असाइनमेंट यूपी चुनाव 2012। उसके पहले 2011 में एक बड़ी राजनीतिक मुसीबत आ गई, इसे गडकरी अपने दम नहीं सुलझा पा रहे थे। वह भागे भागे पहुंचे नागपुर केशव भवन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पास। गडकरी बोले, 6 जून को लखनऊ में कार्यकारिणी की बैठक है, मैं उन्हें वापस लेना चाहता हूं, मगर दिल्ली में बैठे नेता विरोध कर रहे हैं। सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू विरोध में इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। भागवत ने कहा, उसे मैं बीजेपी में वापस भेज रहा हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो इस्तीफा दे दे, फैसला नहीं बदलेगा। कौन था ये जिसकी बीजेपी में एंट्री के लिए संघ प्रमुख को वीटो लगाना पड़ा, जिसकी एंट्री के विरोध में सुषमा और वेंकैया थे? जवाब है उमा भारती। 7 जून 2011 को उमा ने अशोक रोड दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी ज्वाइन की। राजनीतिक प्रेक्षकों ने इसे उमा का दूसरा राजनीतिक जन्म कहा, दूसरा, मगर पहले बात करते हैं पहले जन्म की। पीछे चलते हैं थोड़ा बहुत, नहीं पूरे 6 साल पहले 21 अगस्त 2004 को उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा, पार्टी से नहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से। वजह था एक गैर जमानती वारंट। ये वारंट 1995 के एक मामले का था जिसमें उमा भारती ने एक आंदोलन के दौरान हजारों लोगों के साथ कर्नाटक के हुबली के विवादित ईदगाह में जाकर तिरंगा झंडा फहराया था, पर जेल जाने की नौबत आई अधिकारियों की लापरवाही के कारण। पहली लापरवाही ये कि कई बार ये वारंट एमपी आए मगर अधिकारियों ने उमा भारती को बिना बताए उन्हें लौटा दिया। फिर इस गैर जमानती वारंट के सार्वजनिक होने के पहले उमा ने सीआईडी के डीआईजी एमपी द्विवेदी और महाधिवक्ता आरएन सिंह को कर्नाटक भेजा, इस उम्मीद से कि दोनों वहां कुछ जुगाड़ भिड़ा के वारंट निरस्त करवाएंगे। पत्रकार दीपक तिवारी ने अपनी किताब राजनीतिनामा में लिखा है कि ये वारंट तो नहीं टला, ये जरूर पता चला कि दोनों अधिकारी हुबली से 3 घंटे दूर पड़ने वाले गोवा में रुके हुए हैं। रही सही कसर खुद बीजेपी ने संसद में पूरी कर दी। आंदोलन छेड़ रखा था कि लालू यादव, तस्लीमुद्दीन, जयप्रकाश यादव, एमए फातमी जैसे दागी मंत्रियों को जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाएगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये दबाव उमा भारती पर बैकफायर कर गया और इस तरह मुख्यमंत्री बनने के 258 दिन बाद उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा। उमा के साथ 24 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। जानकार कहते हैं कि उमा भारती ने यह फैसला इसलिए भी लिया कि उन्हें लगता था कि तिरंगे के नाम पर यह कुर्बानी उन्हें और बड़ा नेता बना देगी, पर यह उमा भारती के जीवन की शायद सबसे बड़ी राजनीतिक गलती थी। उमा भारती के इस्तीफे के बाद का भी एक किस्सा सुन लीजिए। उमा खुद पद छोड़ने के बाद बाबूलाल गौर को सीएम बनाने को तैयार हुई। सीएम बनने के बाद उमा ने उन्हें सीएम हाउस स्थित 21 देवी देवताओं के सामने गंगा जल उठाकर शपथ दिलवाई। शपथ इस बात की थी कि जब उमा कहेंगी गौर इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जब शिवराज के सीएम बनने की बारी आई और उमा ने गौर को इस्तीफा न देने को कहा तो गौर बोले, आपने मुझे जब आप कहें तब इस्तीफा देने की कसम दिलाई थी, इस बात की नहीं कि मैं इस्तीफा कब नहीं दे सकता।
3 मई 1959 टीकमगढ़ के डुंडा गांव में उमा लोधी पैदा हुई। कम उम्र में ही वो भागवत का पाठ करने लगी। उनकी कथा मशहूर हुई तो खबर राजमाता विजय राजे सिंधिया तक पहुंची। 1984 में सिंधिया ने उमा को खजुराहो से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा दिया। उमा हार गई लेकिन संघ बीजेपी और विहिप के करीब आ गई। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो गई। इन्हीं सब के बीच 1989 में वो खजुराहो से लोकसभा सदस्य भी बन गई। उन दिनों दो महिला संतों के भाषण की कैसेट बहुत मशहूर हुई, साध्वी रितंभरा और उमा भारती। राम मंदिर तो अभी तक नहीं बना लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिर गई। फिर एमपी में बीजेपी की पटवा सरकार भी। नई सरकार बनी दिग्विजय की अगले 10 साल के लिए। दिग्गी दो बार चुनाव जीते, दोनों बार उनकी जीत में मध्य प्रदेश बीजेपी की गुटबाजी ने भरपूर सहयोग दिया। इसलिए दिग्गी को तीसरी जीत से रोकने के लिए उमा को तैनात किया गया चुनावी साल से एक साल पहले यानी 2002 में। तब उमा भोपाल से सांसद और अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। पार्टी ने उमा से प्रदेश अध्यक्ष बनने को कहा, उन्होंने इनकार कर दिया लेकिन अपनी पसंद के दो लोग तैनात करवा दिए। विक्रम वर्मा की जगह कैलाश जोशी को अध्यक्ष बनवाया और गौरी शंकर सेजवार की जगह बाबूलाल गौर को नेता प्रतिपक्ष। मगर सबसे अहम बदलाव था तीसरा, कृष्ण मुरारी मोघे की जगह कप्तान सिंह सोलंकी को संगठन मंत्री बनाया गया। यही कप्तान सिंह अभी त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। मगर उमा को कमान देना बीजेपी आला कमान के लिए आसान नहीं रहा। प्रदेश में हो रहे दिग्विजय विरोधी आंदोलनों में उनकी सक्रियता देख विरोध भी शुरू हो गया। लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले प्रमोद महाजन की सलाह पर लाल परेड मैदान की रैली में अटल ने उमा के नाम का ऐलान कर दिया। इसके बाद विरोध के स्वर ठंडे पड़ गए। उमा भारती आई तो विकास के साथ हिंदुत्व का मसला भी लाई। बिपाशा यानी बिजली पानी सड़क पर उन्होंने दिग्विजय के 10 साल के कुशासन को जिम्मेदार ठहराया, उन्हें मिस्टर बंटाधार कहा। साथ ही धार की भोजशाला जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मसले भी सुर्खियों में लौटे। फिर आया एमपी में गुजरात, रूपको में नरेंद्र मोदी ने एक रथ पर सवार हो 2002 का गुजरात चुनाव जीता था और उसके पहले गुजरात गौरव यात्रा निकाली थी। प्रमोद महाजन ने यही रथ एमपी में दौड़ा दिया। इस पर सवार उमा भारती ने संकल्प यात्रा निकाली और नारा दिया, आप सत्ता का परिवर्तन करो, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। सत्ता परिवर्तन हो गया। बीजेपी ने 230 में से 173 सीटें जीती और कांग्रेस 38 पर सिमट गई। जिस वक्त नतीजे आए उमा भोपाल में नहीं थी, वह सतना की मैहर देवी के मंदिर में बैठी पूजा कर रही थी। शाम को करीब 5:30 बजे वो हेलीकॉप्टर से भोपाल में लाल परेड मैदान पर उतरी। उस शाम मैदान में बिना न्योते की रैली लग रही थी। 8 दिसंबर 2003 को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और एमपी के गवर्नर राम प्रकाश गुप्ता ने उमा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई, उसी लाल परेड मैदान में जहां 1990 में पटवा ने शपथ ली थी। मुख्यमंत्री बनते ही उमा भारती ने धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू किए। पहली कैबिनेट बैठक में ही 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को परमानेंट करने का आदेश दिया। 90 आदिवासी ब्लॉकों के 14 लाख बच्चों को दलिया की जगह पूरा पका खाना देने की योजना शुरू की। दिग्गी राज के आदि हो चुके अधिकारियों पर नकेल कसी। कैबिनेट मीटिंग के फैसले लीक हुए तो अधिकारियों को इस मीटिंग से बाहर रखने का फैसला किया। श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास में पहुंचते ही उमा ने जनता दरबार शुरू किया हर मंगलवार। कुछ ही दिनों में हालात बेकाबू होने लगे, हजारों की भीड़, फिर संभालने के लिए पुलिस की लाठियां, लोगों की बेतरह मांगें, झुंझलाती उमा और अखबारों की सुर्खियां। इस वाक्य को सुनिए। जनता दरबार में पहुंचे दसमु राम, घंटों इंतजार के बाद सीएम के सामने पहुंचे। उमा ने पूछा क्या समस्या है, दसमु राम बोले बेरोजगार हूं। उमा बोली चाय की दुकान क्यों नहीं कर लेते, दसमु राम बोले कहां करें दीदी। दीदी उमा भारती के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में प्रचलित शब्द है। उमा ने तुरंत अपने सहयोगी को बुलाया और आदेश दिए, कल से मेरे आवास के गेट नंबर 6 के बाहर दसमु राम चाय की दुकान चलाएंगे। पर सबकी किस्मत दसमु राम सी नहीं थी। पूरे सूबे में बेरोजगारी का आलम था। कुछ ही महीनों में जनता दरबार उमा को बंद करना पड़ा।
1 मई 2004 गवर्नर राम प्रकाश गुप्त का निधन हो गया। 30 जून को नए राज्यपाल डॉक्टर बलराम जाखड़ ने शपथ ली। उसी दिन एक किताब का विमोचन था भोपाल के रविंद्र भवन में। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जोशी, संगठन मंत्री कप्तान सिंह और गोविंदाचार्य बैठे थे। उमा मंच पर आई और एकाएक अपने और गोविंदाचार्य के निजी संबंधों पर बोलना शुरू कर दिया। उमा ने कहा, 1991 के लोकसभा चुनाव के बाद गोविंदाचार्य ने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी, पर यह बात जैसे ही मेरे भाई स्वामी लोधी को पता चली, उन्होंने इस प्रस्ताव को तत्काल खारिज कर दिया। फिर एक साल बाद 17 नवंबर 1991 को मैंने संन्यास ले लिया। उमा के इस बयान के बाद हॉल में एक असहज चुप्पी छा गई। संघ को भी उनका बड़बोलापन रास नहीं आया। उमा भारती के सत्ता में आने के 6 महीने के अंदर ही केंद्र की वाजपेयी सरकार चली गई। इसके बाद बीजेपी नेताओं की कलह खुलकर बाहर आ गई। सबका ध्यान 4 राज्यों पर जहां बीजेपी सरकार थी, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें नरेंद्र मोदी दिल्ली की महीन सियासत सीख कर गए थे, आराम से काम कर रहे थे। वसुंधरा को भैरव सिंह शेखावत का बैकअप हासिल था। छत्तीसगढ़ में तब किसी की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। बचा मध्य प्रदेश, जहां की सीएम उमा भारती अति सक्रिय नजर आ रही थी। वह राजनीतिक मधुरता के टंटे में नहीं पड़ती थी, सीधे भिड़ जाती, फिर चाहे सामने संघ वाला हो या संगठन वाला। इन सब ने उनकी वापसी की राह खत्म की। वापसी क्यों? क्योंकि तिरंगा विवाद के बाद उनका इस्तीफा हो गया था। तब उमा ने एक शर्त रखी थी कि कोर्ट से राहत पाने के बाद वह पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेंगी और इसके बाद फिर एमपी संभालेंगी। आलाकमान ने तब दूतों के जरिए हामी भर दी। कुछ ही महीनों में कर्नाटक सरकार ने उमा के खिलाफ केस वापस ले लिया। अब वह यात्रा की तैयारियों में जुट गई। कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने थे। इनका हवाला देकर प्रमोद महाजन और वेंकैया नायडू ने यात्रा का विरोध किया। अटल आडवाणी से कहा कि इससे ध्यान भटकेगा। उमा फिर भी अड़ी रही। पार्टी की दिल्ली कोठरी का एक बड़ा हिस्सा उनसे खफा हो गया। खफा के पीछे खौफ भी था। उमा की यात्रा शुरू हो चुकी थी। इसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। समर्थकों को लगा बीजेपी को अटल आडवाणी के बाद कौन का जवाब मिल रहा है, और इसी टेक पर पार्टी में उनके विरोधी एक हो गए। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और अटल के खास प्रमोद महाजन भी। आडवाणी कोटरी के सुषमा स्वराज और नायडू जैसे लोग भी साथ हो लिए, और इन सब के पीछे अरुण जेटली तो सक्रिय थे ही। सबसे पहले उमा को चिढ़ाता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नायडू का बयान आया सितंबर 2004 में कि उमा के वापस सीएम बनने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर मुंबई बीजेपी ने कहा, हम चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं, यात्रा यहां न लेकर आए। ये महाजन के इशारे पर किया गया। यात्रा जैसे तैसे यूपी के मथुरा में पहुंची। उमा अब तक खींच चुकी थी। उन्होंने फिर से कोप भवन में जाने का फैसला किया। सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया राजनीति से संन्यास का। अटल बिहारी ने बीच बचाव किया। उसी के तहत अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब उनकी यात्रा खत्म हुई तो वाजपेयी आशीर्वाद देने पहुंचे। नवंबर 2004 धनतेरस का दिन, बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग। कमरे में टीवी, पत्रकार और कैमरे भी मौजूद थे। पार्टी अध्यक्ष आडवाणी ने बोलना शुरू किया। कुछ लोग पूछते हैं कि उमा भारती, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे नेता एक दूसरे के खिलाफ क्यों बयान देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तरीका बंद होना चाहिए। आडवाणी का इतना बोलना था कि उमा खड़ी हुई और बोली, इस हॉल में 4-5 नेता बैठे हैं जो मेरे खिलाफ ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग कर अखबारों में खबरें छपवाते हैं। मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सफाई देनी पड़ती है। इसे अनुशासनहीनता कहा जा रहा है। जो लोग राज्यसभा में बैठे हैं उन्हें कुछ काम तो है नहीं, बस यही करते हैं। अब आडवाणी बोले, मैं कह चुका हूं, ये विषय समाप्त हो चुका है, आप बैठ जाइए। पर उमा नहीं मानी। आडवाणी को कार्रवाई करने की चुनौती देकर मीटिंग से निकल गई। उन्हें निलंबित कर दिया गया। उमा ने अयोध्या जाने का ऐलान किया। उन्हें लगा पार्टी फिर मनाएगी, मगर वह गलत थी। 1.5-2 बरस कुढ़ने और यात्रा करने के बाद उन्होंने वो करने की ठानी जिससे बीजेपी सबसे ज्यादा डरती, एक नई पार्टी। 30 अप्रैल 2006 को उज्जैन में उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी यानी कि बीजेएस का ऐलान किया। 2008 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उमा की पार्टी ने बीजेपी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाया।
एंटी इनकम्बेंसी वोट बीजेएस और कांग्रेस के बीच बट गया। 213 सीटों पर लड़ी भारतीय जनशक्ति पार्टी केवल 6 सीटों पर जीत सकी। खुद उमा भारती टीकमगढ़ में कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह से 9000 वोटों से चुनाव हार गई। कुछ वर्षों बाद उमा को समझ आ गया पार्टी चलाना उनके बूते की बात नहीं। उधर उनके सखा गोविंदाचार्य लगातार संघ प्रमुख के सामने लॉबिंग कर रहे थे। इसी आलोक में 2011 में उनकी वापसी हुई, मगर एक शर्त पर जिसे रखा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने कि दीदी एमपी से दूर रहेंगी। गडकरी की भी यही योजना थी। 2012 के चुनाव में उमा भारती को यूपी में पार्टी का सीएम फेस घोषित किया गया। उमा अपनी लोध जात की बहुलता वाली हमीरपुर की चरखारी सीट से विधायकी भी लड़ी। वह चुनाव जीती, मगर पार्टी सूबे में लगातार तीसरी बार बुरी तरह हारी। 2 साल बाद यूपी में बीजेपी का पुराना जलवा कायम हुआ, क्योंकि अब मोदी युग शुरू हो चुका था। उमा को भी इस दफा लोकसभा के लिए यूपी की झांसी सीट से लड़ाया गया, ताकि आसपास के लोधी वोटरों के बीच दुरुस्त संदेश जाए। उमा बड़े अंतर से जीती और फिर गंगा सफाई मंत्री बनी। गंगा की हालत तो नहीं बदली, मगर उमा का मंत्रालय बदल गया और सियासत बदली है लेकिन चल रही है। मुख्यमंत्री ललनटॉप के पॉलिटिकल किस्सों की इलेक्शन स्पेशल सीरीज। इस सीरीज के बारे में, इस एपिसोड के बारे में आपके जो भी ख्याल हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं। अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो दी ललनटॉप के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज दी ललनटॉप को लाइक करें। और अब तो ललनटॉप की एंड्रॉयड ऐप भी आ गई है, प्ले स्टोर में जाकर उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसी पर सबसे पहले अपलोड होते हैं ललनटॉप के पॉलिटिकल किस्से। शुक्रिया।